आज हम आपको नेचर के साथ कनेक्ट करवाएंगे भाई। हम ना आपको जंगल में लेकर जा रहे हैं देखते जाओ। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे, है ना। आज हम आपको लेकर आए हैं नेचर ट्रेल, जो कि भाई सिचुएटेड है सेक्टर 1 चंडीगढ़ में। आपको ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो ये पार्किंग एरिया था, बहुत ही खुला डुल्ला पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया को लेकर आपको बिल्कुल भी कोई भी इश्यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो अब अंदर चलते हैं हम। ये ना यार बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है चंडीगढ़ की, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन आप यहाँ पर एक बार आ गए ना तो आपको प्यार हो जाएगा इस जगह से। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा है वेलकम टू नेचर ट्रेल इन लेक रिजर्व फॉरेस्ट। जंगल है ये, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो वही, सबसे पहले आपने यहाँ पर एंट्री करनी होती है। आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपने एंट्री करनी होती है। और यहाँ पर कुछ भी एंट्री फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो अभी चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये ऐसे ऐसे काफ़ी बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे अभी, और आपको आगे चल के इतने सुंदर नज़ारे दिखने वाले हैं ना, मतलब आई कॉन्ट बिलीव कि वीडियो मैंने शूट करी है, मैंने ही करी है। आई एम सॉरी कि मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, पर बहुत ही प्यारी वीडियो जो है ना मैंने शूट करी है। प्यारी तो यार वैसे होनी ही थी, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। और नेचर को जब हम कैप्चर करते हैं ना, नेचर तो कभी ख़राब आ ही नहीं सकता। इंसान ख़राब आ सकता है, पर नेचर कभी ख़राब नहीं आता। बाकी थोड़ी बहुत तारीफ़ तो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की भी बनती है ना। ये जो पाथ है ना फॉरेस्ट का, ये करीबन 2.5 किलोमीटर का है, और ये एकदम सेफ फॉरेस्ट है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप एनिमल्स देखेंगे तो डरेंगे ना। यहाँ पे प्रॉपरली ग्रीलिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, वो लोग 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ। हफ्ते के 7ों दिन ये खुला होता है, मंडे टू संडे। टाइमिंग जो है, एंट्री टाइमिंग और क्लोजिंग टाइम, वो है सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, ठीक है, उससे बाद नहीं, उससे पहले नहीं। तो यही टाइमिंग है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ये फ्लैग जैसी शेप का, ये ना मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं यहाँ पर। इतने प्यारे प्यारे स्लोगन्स लिखे होते हैं ना इस पर, बहुत ही मीनिंगफुल हैं। तो इनको पढ़ते हुए जाना है आपने, एंड तक मिलेंगे ये आपको, एंड तक। हर जगह पे ना ये जगह जगह पे लगे हुए हैं भाई। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है, तो मस्ट विज़िट प्लेस है ये, मस्ट विज़िट। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे नेचर के साथ कनेक्ट होना ना पसंद हो। हाँ, आप ऐसे तो नहीं हो ना, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नेचर का ना बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारे माइंड के लिए, बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं क्या कभी ऐसे ईज़िली हमारे घर के आसपास? नहीं मिलती आजकल तो, है ही नहीं। एनवायरनमेंट के नाम पे तो धोखा हो रहा है, धोखा। इतने क्राउडेड पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं हम लोग। तो टाइम निकालो ऐसी जगह को विज़िट करने के लिए जहाँ पर आपको ऐसे नज़ारे मिले। ये बेंच देख रहे हो वुडन का, इसको भी ना ऐसे प्रॉपर वो वुडन वाला लुक दिया है कि हाँ फॉरेस्ट वाली फीलिंग आए। फीलिंग क्या है, फॉरेस्ट ही है। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस पर बर्ड्स ऑफ चंडीगढ़ हैं। चंडीगढ़ में जो भी बर्ड्स पाए जाते हैं वो सब यहाँ पर हैं। आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी आपको ये जो सामने दिख रहा है ना, ये कुछ कॉटेज टाइप का है। इसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, प्रॉपर वहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, और वहाँ से जो नज़ारा दिखाई देता है ना वो बड़ा सही लगता है। तो ये यहाँ पर कुछ सीनरीज लगी हुई हैं, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी यहाँ पर पाए जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ पर बोर्ड्स लगे हैं, सीनरीज लगे हैं, और ये सब कुछ, ये सब आप पढ़ लेना। अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो चलते हैं ऊपर। अभी यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो ऐसे थोड़ी zigzag टाइप की हैं, तो आप डर मत जाना। हम जब ऊपर गए ना, तो अंकल यहाँ वहाँ पर पेंट कर रहे थे। जो यहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं हर चीज़ों को, पेंट कर रहे थे वो बेंचेस को एकदम प्रॉपरली, जो है ना यहाँ पर मेंटेन करते हैं, ये सारा काम करते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देते। रोज़ सुबह सुबह यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू लग जाता है, और बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देते वो जगह को। तो आपने भी ध्यान रखना है, गंदा नहीं होने देना है, कूड़ा डस्टबिन में ही डालना है।
तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मेरे को लगता है ये ना एक पिकनिक स्पॉट हो सकता है ना, जैसे फ्रेंड्स वगैरह घर से खाने पीने की चीज़ें ले आए और यहाँ पे एंजॉय करो मज़े से। और हाँ, सिर्फ वेजिटेरियन फूड लेकर आना, नॉन वेजिटेरियन मत लेकर आना, अलाउड नहीं है वो। ये आप देख रहे हो पीकॉक मोर, मेरे को काफ़ी सारे मोर दिखाई दिए यहाँ पर। और पहले क्या होता था ना, यहाँ पर बहुत ही आम दिखाई देते थे, आम मतलब कि मोस्ट कॉमनली ना यहाँ पर सांबर जो होते हैं वो दिखाई देते थे, बारहसिंगा। अभी क्या हुआ ना, जब से यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ी बढ़ गई है तो जानवर जो है ना वो शाम को बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दिन में यहाँ पर दूसरे तरीके के जानवर घूम रहे हैं, इंसान हम घूम रहे हैं, तो वो शाम को ही बाहर आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिखाई वो दिए नहीं मुझे सांबर और ये सब। बाकी नॉर्मल से जो है ना, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते जो एनिमल्स, वही हैं यहाँ पर। बाकी अगर आप सोच रहे हैं चीता वगैरह ये सब कुछ, ये सब नहीं है, सांबर हैं, बारहसिंगा हैं और ग्रिलिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, डरने वाली जो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि अभी वो खुद नहीं आते यार बाहर ज़्यादा, है ना। इंसानों को देख के जानवर कहाँ बाहर आते हैं, नहीं आते, क्योंकि यार कहीं ना कहीं जानवर भी सोचते ही होंगे, है ना, ये जो इंसान नाम का जानवर है ये मोट हाय मुझे देखने आ जाता है और इतना खुश होता है मुझे देखकर, खुद तो मुझसे भी बड़ा जानवर लगता है, कुछ तो ऐसा सोचते ही होंगे, है ना। ये भी ये है बैम्बू ट्री, बांस का डंडा, पढ़ते थे ना हम बचपन में, बांस का डंडा वही था ये। बाकी लोग यहाँ पर सैर कर रहे हैं, जो यहाँ पर लोग सुबह सुबह आते हैं ना, मैंने देखा है वो ना परमानेंट है, मतलब डेली का है उनका कि हाँ सैर करनी ही है, जॉगिंग करनी है यहाँ पे आके, और उनको आदत हो चुकी है, हैबिट बना ली उन्होंने। अगर हम जैसे कुछ हैबिट बना लेते हैं और उस चीज़ को हम परफॉर्म ना करें तो हमें कुछ ना खाली खाली सा नहीं लगता, ऐसे लगता है यार आज कुछ मिसिंग है, आज अधूरा है। तो बहुत अच्छी हैबिट है यार ये, तो जॉगिंग की बनाई हुई है लोगों ने, बहुत सही है, वेरी गुड। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसे चांद सा दिखाई दिया मुझे ऊपर, लाइट सा, तो मैंने जूम कर लिए थे। चांद दिख रहा है आपको? दिन में भी होता है ना चांद, दिन में भी होता है, बाकी हमें दिखाई नहीं देता दिन में। अभी ये काफ़ी सुबह का है ना, एकदम मॉर्निंग का, तो लाइट सा दिखाई दे रहा है। ये कितना सही लग रहा है, देखो कितना सही लग रहा है, कैसा फिल्मी सा नहीं लग रहा, बहुत सही पिक्स आती है यहाँ पे, बहुत सही। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको फोटोग्राफी बहुत पसंद है तो फोटोग्राफी के लिए तो बेस्ट प्लेस है ये यार। यहाँ पे ना कॉन्टीन्यूसली बर्ड्स जो हैं उनके गाने की आवाज़ आपको आती रहेंगी, है ना, सिंगिंग बर्ड्स हैं यहाँ पर, कॉन्टीन्यूसली गाते ही रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनके चहचहाने की जो आवाज़ होती है ना, इतनी प्योर लगती है यार, ऐसी मिलती ही नहीं है कहीं, यकीन नहीं होता यार। वैसे इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह कैसी है ये, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, और लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लोग अवेयर ही नहीं है कि ये चंडीगढ़ में एग्जिस्ट करती है। हैरानी की बात है सच में, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये, आप ज़रूर आना, आपको प्यार होने वाला है इस जगह से, मुझे तो हो चुका है। ये नज़ारा देखो यार, सूरज, आपने ये नज़ारा देखो, मैं चुप हो जाती हूँ। कितना प्यारा सूरज लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैंने तो इसको एंजॉय किया है, इस मोमेंट को इसको फील किया है, बहुत ही सुंदर जो है ना, ऐसा लग रहा था कि यार कैसे एक्सप्लेन करूँ, अभी शब्द वो है नहीं मेरे पास कि इसको एक्सप्लेन कर सके, बहुत ही प्यारी जगह है। बाकी जानवर वगैरह अभी यहाँ पर बाहर निकले नहीं, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, मे बी शायद इसीलिए, और बाकी इसलिए तो है ही है कि जो लोगों का आना जाना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो फिर एनिमल्स को प्रॉब्लम होने लगती है उस चीज़ से, है ना, वो फिर शाम को ही बाहर आते हैं, वो इंसानों को देखकर बाहर आते नहीं हैं। बाकी आपको देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स, फ़िलहाल मुझे दिखे नहीं, जैसे पहले दिखाई देते थे ना वैसे अभी इस बार देखे नहीं एनिमल्स। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जंगली मुर्गा है, ये दिख रहा होगा आपको जाते हुए, ये जंगली मुर्गा है। ये ना यार एक तो ग्रीनरी है पूरा इन्वायरमेंट, ऊपर से इनका भी कलर ऐसा होता है, तो उतना प्रॉपर ना ये
कंट्रास्ट नहीं हो पाता ना बैकग्राउंड इनके साथ, तो सेम सा लगता है। बट ये काफ़ी क्लियर दिख गया है ना, दो तीन दिखाई दिए मुझे यहाँ पर जंगली मुर्गे, बाकी पीकॉक तो मुझे बहुत सारे दिखाई दिए और काफ़ी कुछ देखा मैंने। बट उनको ना कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, जितना मुझसे हो पाया मैंने उनको कैप्चर कर लिया। बाकी तो मुझे ना यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिखाई दी, मतलब इतनी ज़िद्दी बटरफ्लाई थी ना ये भाई, मैंने ना पूरा फ़ोन जो है ना एकदम इसके पास, एक पहले तो मैंने जूम किया फिर मैंने पूरा फ़ोन इसके पास ले गई मैं, बट ये उड़ी नहीं, ये फोटोग्राफी करवा रही थी मैडम। और अभी ये दिख रहा है आपको सामने ये घर, ये ना जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं फॉरेस्ट को, उनको यहाँ पर ना घर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो था ये। ये यहाँ पर बड़ी सही पिक्चर्स आ सकती हैं, है ना, इसके ऊपर बहुत सही पिक्स आ सकती हैं। ये सूरज कितना प्यारा लग रहा है, ये जो सुबह का सूरज होता है ना यार, इसमें कुछ बात ही अलग होती है, मतलब इसकी जो किरणें होती है ना वो इतनी पॉजिटिव वाइब्स पहुँचाती हैं आप तक। यार वैसे मैंने एक बात नोटिस करी, मुझे सूरज तो दिखा ही यहाँ पर और चाँद भी दिखा था, है ना, तो इसके ऊपर एक गाना है, सूरज हुआ मतम चाँद जलने लगा। वैसे देखा जाए तो कितना इलॉजिकल सा गाना है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। सूरज चांद जैसा कैसे हो सकता है और चांद सूरज जैसा कैसे हो सकता है, और होना भी क्यों है भाई, सूरज की अपनी इम्पोर्टेंस है, चांद की अपनी है। ये वैसे हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है ना, हम ही क्यों किसी के जैसा बनना है, हम जैसे हैं एकदम बेहतरीन है, बहुत प्यारे हैं, हम यूनिक हैं यार, हर कोई इंसान अपने में यूनिक है, सबकी अलग आइडेंटिटी है। ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे इतने मेरे को ना याद नहीं रहता कि हाँ मैं ज्ञान वाले जोन में चली गई, तो मुझे ध्यान अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हाँ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ कन्नू, वापस आ जाओ। सो दिस वॉज द प्लेस, बहुत ही प्यारी जगह है, आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर विज़िट करना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुश रहें।